हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल केपी नॉलेज में। और जैसे कि आपके LIC मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, जो कि 22 दिसंबर को है, तो उसके लिए हमने टॉप इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस अवेयरनेस क्वेश्चंस MCQ के फॉर्मेट में यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। ये सीरीज़ रहेगी 50 से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ 35+ क्वेश्चंस कवर करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज फॉर्मड इन विच ईयर। LIC की स्थापना किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है 1952, 1956, 1951 या 1958। तो इसका आंसर है बी 1956। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ IRDAI। तो आपको बताना है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन करंट चेयरमैन कौन है। आपके ऑप्शंस है ए सुभाष चंद्र खूंटिया, MR कुमार, अजय त्यागी, RV वर्मा या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सुभाष चंद्र खूंटिया। अजय त्यागी जो है वो आपके सेबी के चेयरमैन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्म मित्रा ऐप हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो ये ऐप के क्वेश्चंस का कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको बताना है कि फार्म मित्रा ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंश्योरेंस एजुकेशन। तो कभी कभी स्टैटिक के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको बताना है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंश्योरेंस एजुकेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ह्यूबनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई। तो यहाँ पे जनरली बच्चे मुंबई या न्यू दिल्ली पे टिक कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हैदराबाद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वॉज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत की फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। आपके पास 5 ऑप्शंस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश। आपके ऑप्शन है 1888, 1870, 1821, 1896 या फिर 1832। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1818, यानी 1818। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कमिटी इज़ रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये कमिटी का जो क्वेश्चन है, ये एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। तो आपको ये बताना है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर्स में जो रिफॉर्म्स आए थे, उससे रिलेटेड कौन सी कमेटी है इनमें से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज़ मल्होत्रा कमेटी, ऑप्शन नंबर ई। हाँ, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ LIC। तो ये एक ईजी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ LIC। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ MR कुमार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LIC हैज़ कट हाउ मच परसेंट स्टैक इन एक्सिस बैंक। तो आपको बताना है कि LIC ने कितने प्रतिशत का जो उसका हिस्सा था एक्सिस बैंक में, उसे कट किया है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 2%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SIP इज़ अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड। तो SIP एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आपको ऑफर किया जाता है। तो आपको बताना है कि SIP का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर सिस्टमेटिक इंश्योरेंस प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या सिस्टमेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यू इंडिया एश्योरेंस साइंस ICAs विथ विच कंपनी। तो आपको बताना है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस ने किस कंपनी के साथ ICAs अपना साइन किया है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, यानी कि उन्होंने रिलायंस होम फाइनेंस और दीवान हाउसिंग फाइनेंस दोनों के साथ ये ICA साइन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजाज आलियांस लाइफ लॉन्चेस वीडियो कॉलिंग सर्विस कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने तरह का कुछ नया इनोवेशन है, पहला इनोवेशन मतलब इस प्रकार का कुछ पहला इनोवेशन है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इन्होंने जो वीडियो कॉलिंग सर्विस लॉन्च की है वो उसका नाम क्या है, आई सेव, वी चैट, आई कॉल या आई सर्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी आएगा, आई सर्व। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LIC इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन PNB हाउसिंग फाइनेंस, तो LIC ने अभी PNB हाउसिंग फाइनेंस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। आपके ऑप्शन है 3500 करोड़, 2700 करोड़, 2500 करोड़, 2000 करोड़ या फिर 1200 करोड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2500 करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ स्पाइस मनी फॉर इंश्योरेंस खाता, तो आपको बताना है कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने स्पाइस मनी के साथ इंश्योरेंस खाता के लिए टाइप किया है। तो आपके ऑप्शन है DHFL, इंडिया फर्स्ट, रैली गेयर, निप्पॉन या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी बायस 10% स्टेक इन पॉलिसी बाजार, तो आपके ऑप्शन है टेंसेंट, निप्पॉन, ICICI, DHFL या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड। IRDAI अलाउज द पॉलिसी होल्डर टू ऑप्ट आउट ऑफ पॉलिसी विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम इट्स परचेज, तो IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कितने दिन का आपको टाइम टाइम फ्रेम दिया है जिसके अंदर आप अपनी इंश्योरेंस परचेज से बाहर आ सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15 डेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर, तो आपके ऑप्शंस है गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर पुणे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज़ पुणे। LIC हैज़ इंक्रीज्ड द मैटरनिटी लीव फॉर इट्स फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम 12 मंथ्स टू, तो जो कि महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं रहती है उनके लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान होता है, तो इस प्रावधान को 12 महीने से बढ़ाकर कितने महीने कर दिया गया है LIC के द्वारा, तो ये कर दिया है ऑप्शन नंबर ए, 15 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिन अवार्डेड द फ्रीडम ऑफ द सिटी अवार्ड ऑफ लंदन टू प्रमोट इंश्योरेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड UK, तो आपको बताना है कि किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी अवार्ड ऑफ लंदन से नवाजा गया है। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी एलाइज जी वैद्यन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये अवार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक विल सेल 25% इक्विटी स्टेक इन स्टार दाइची लाइफ इंश्योरेंस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ कोलाबरेटेड विथ विश फिन इंश्योरेंस टू सेल 2-व्हीलर पॉलिसी वाया व्हाट्सएप, तो किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने विश्विन इंश्योरेंस के साथ टाइप किया है 2-व्हीलर पॉलिसी वाया व्हाट्सएप के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भारती एक्सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICICI लोम्बार्ड हैज़ पार्टनर्ड विथ विच पेमेंट बैंक टू ऑफर सैचेट बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिनो। IRDAI हैज़ कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम विच ईयर, तो ये एक स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि IRDAI ने अपना ऑपरेशन अपना कार्यकाल कब से स्टार्ट किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सन 2000। IIB स्टैंड्स फॉर, तो आपको IIB का फुल फॉर्म बताना है, तो IIB का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IRDA हैज़ द पावर टू फ्रेम द रेगुलेशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, IRDAI हैज़ द पावर टू फ्रेम द रेगुलेशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 114A।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर किस सन में नेशनलाइज किया गया था? तो आपके पास ऑप्शंस है 1834, 1938, 1956, 1907 या फिर 1921। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1956। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? तो प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट नहीं है लाइफ इंश्योरेंस का। एंडोमेंट, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ या फिर सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है लाइफ इंश्योरेंस का। मुंबई लोकल ट्रेन कवर इंश्योरेंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी? तो आपको बताना है कि मुंबई लोकल ट्रेन कवर इंश्योरेंस जो है हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, ये किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज़ बजाज फाइनेंस। रेस्ट अश्योर्ड विथ अस इज़ द टैगलाइन ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी? तो आपको ये बताना है कि रेस्ट अश्योर विथ अस ये किस कंपनी की टैगलाइन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज़ UIICL। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, LIC की टैगलाइन क्या है? क्या तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है कि LIC की टैगलाइन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योग क्षेमम वहामयम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंडियाज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इज, भारत का एग्रीकल्चरल इंश्योरर कौन है? GIC, LIC, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, AIC। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ AIC। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल दैट इज़ GIC वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो आपको बताना है GIC की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1957। देखिए, LIC की स्थापना हुई थी 1956 में और GIC की स्थापना हुई है 1957 में। विच इंश्योरेंस कंपनी अलॉन्ग विथ HDFC बैंक हैज़ स्टार्टेड अ न्यू टाइम हेल्थ, दैट इज़ ATH मशीन्स? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस कंपनी ने ATH मशीन स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मैक्स बूपा। और ये इन्होंने किसके साथ स्टार्ट किया है? तो HDFC के साथ इन्होंने स्टार्ट किया है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बिन सर्टिफाइड विथ ISO 31000218? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बोथ चोलामंडलम MS और PNB MetLife। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, RBI हैज ग्रांटेड हाउ मेनी ईयर्स टू LIC टू कट इट्स स्टेक इन द IDBI बैंक बाय 10%? तो अभी जैसे आपको पता है कि IDBI बैंक के बहुत सारे शेयर जो है LIC में आ गए थे, तो आपको ये बताना है कि RBI ने कितने साल का टाइम दिया है LIC को ताकि वो अपने जो स्टेक है वो 10% से कम कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 12 ईयर्स। द चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया इज़? तो आपको बताना है कि AIC जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंश्योरेंस करवाती है, उसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मिस्टर जोसेफ प्लापल्ली जे जे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द मर्जर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड? तो ये तीन कंपनियों का जो है यहाँ पे मर्जर हुआ है। एक है उसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और तीसरा कौन सा है? तो ये आपको ये एक्चुअली तीनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे हमने बस 13 से 14 मिनट में 38 क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो अब इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस का आपको क्विज मिलेगा, तो आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियाज एग्रीकल्चरल इंश्योरर इज, भारत का एग्रीकल्चरल इंश्योरर कौन है? सेकंड क्वेश्चन, रेस्ट अश्योर्ड विद अस किस किस इंश्योरेंस कंपनी की टैगलाइन है? तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कब किस सन में नेशनलाइज हुआ था? आपको बताना है चौथे क्वेश्चन में कि IIB की फुल फॉर्म क्या होती है? और लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो ये आपके पास ऑप्शंस है। होप यू लाइक द वीडियो।
और हमने 50 इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू कब आपको बताया है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा एमसीक्यू हम कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना चाहिए. सो थैंक्स अ लॉट.